जी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ सहाबी जान नवाब, जिसका इंडिया में भी डंका बजता है। आइए इनसे बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमने इनको जो है हाजिर किया है। अस्सलाम वालेकुम जान भाई। वालेकुम सलाम जानिया, कैसे हो जान भाई? अल्लाह का करम, ये बताएं कि इंडिया में भी आपके डंके बजते हैं, इंडिया भी पूरा आपको जानता है, क्या कहना चाहेंगे कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दोनों टीमें रिवायती हरीफ है और दुनिया में मैच होते हो लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो कांटे का मैच होता है। और दोनों टीमें और जो है वो मैदान में जब उतरती है तो पाकिस्तानी मुझ समय कहते हैं कि पाकिस्तानी सब दलाली परचम जीते, वो कहते हैं हमारी टीम दिखे, लेकिन क्रिकेट का मजा जो है वो दोनों हरीफों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होता है उसके लिए तमाम तैयारियां दोनों ममालिक की आवाम करती है। कराची में भी कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, जब मैच होगा तो आवाम ने अभी से तैयारियां कर ली है, घरों में खवातीन ने पहले से खाने तैयार कर लिए होते हैं और टीवी के सामने बैठ जाती है, मैच देखती है और बुजुर्ग दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम जीते और जो सब हलाली परचम वाली किट है वो कभी आवाम को मायूस नहीं करेगी, पाकिस्तानी को मायूस नहीं करेगी और इंशाल्लाह कल जीत पाकिस्तान की होगी। ये बताएं चांद भाई, पाकिस्तान और इंडिया में आपके चाहने वाले हैं तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि चांद नवाब और मिसेस चांद नवाब पाकिस्तान का मैच किस तरीके से एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल, मैं मैच देखता हूँ क्योंकि हम तो ड्यूटी पे ही होंगे, स्कीम है, फैमिली ने मेरी तैयारियां कर ली है और वो मैच देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, चाहे पाकिस्तान हो, अच्छा खेलेगा अच्छा जीतेगा, लेकिन मेरी तमाम दुआएं और सपोर्ट पाकिस्तानी टीम के साथ है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान जिंदाबाद। और इनके जो भी मैदान में खेलेगा हार जीत होती है लेकिन मैच जो है बड़ा कांटे का मैच होगा। बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे पास सीनियर साहबी जान नवाब, जिसका डंका जो है इंडिया और पाकिस्तान में मचा हुआ है और इनका भी यही कहना है कि इनकी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान ही जीतेगा और ये भी जो है अपने वर्क के बाद जो है घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान का मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे।